manoharo बातचीत करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण बात है बनारस की घटना को लेकर। बनारस की घटना से पहले है कि सवाल है कि धर्मनिरपेक्षता की प्रस्तावना को हम कैसे देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता को लेकर के हमेशा कट्टरपंथी ताकतों ने उसका विरोध किया है, परंतु उसमें एकदम स्पष्ट है कि राज्य के कामकाज में धर्म का हस्तक्षेप न हो और धार्मिक जो मामले हैं, धर्म के जो मामले हैं, जो वो धार्मिक धर्माचार थे, और जब दोनों के बीच में कभी अंतर विरोध हो, जब कभी क्लैश आए, तो कानून के राज में धर्माचार न घुसे। और जो कानून के राज के स्थापना करने वाली राज्य सत्ता है, वो जो है धर्म के मामले में चीजों को तय करने के लिए धर्माचार्यों को कहे। और कोई भी धर्म जो है, जो मूल भावनाएं हैं मानव अधिकारों की, उनके बहुत खिलाफ नहीं रही हैं। कुछ मुद्दे जैसे महिलाओं के मुद्दे हैं, उसके मामलों में सभी धर्मों की समझदारी एक जैसी रही है, क्योंकि वो पितृसत्ता के समय पैदा हुई है। हर खासकर दक्षिणी एशियाई इलाकों में जो है, हम बहुत पुराना धर्म रहा हमारा, तो हमने जो है सामंतवाद की जाति व्यवस्था को भी उससे ढकने की कोशिश मनुस्मृति और इसमें की है, पर मनुस्मृति बहुत बाद में लिखी गई है। वेद के अंदर एक तरफ पिरामिड की परंपरा चलने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ लोकायत भी पैदा होते हैं, बृहस्पति का जो है मतलब उन चीजों का विरोध करते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि विसर्जन की जो बातचीत थी, ये भी समझने की जरूरत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि नाले रोके जाए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रोका जाए। ये करीब करीब नाले और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है 85% प्रदूषण करते हैं। हम सब लोग मतलब जो माला फूल विसर्जन, इनसे जो है करीब 5 से लेकर 7-8% तक जो है उसका प्रदूषण होता है। दूसरी तरफ है कि गंगा जी में एक बड़ी ताकत थी कि भागीरथी की धारा जो गंगोत्री से गौमुख से आती है और अलकनंदा से मिलती है, तो गंगा जी कही जाती है। भागीरथी के पानी को हमने रोक दिया है टेहरी में, और उसमें जो बैक्टीरियोफेज आता था, ये जो छोटे मोटे प्रदूषण होते थे, क्योंकि प्रकृति और इंसान जब रहता है तो वो एक दूसरे को रहने में छेड़छाड़ होता है और उसको फिर ठीक कर लेता है उस सामंजस्य जो है। परंतु जब आवश्यकता की जगह मुनाफा खोली, जब इंडस्ट्री है, एक ही जगह शहर का शहरीकरण हो रहा है, उसके सब मैल जो है मतलब गंगा जी में प्रवाहित किए जा रहे हैं, तो वो प्रदूषण हो रहा है। और दूसरी तरफ उन अविरल गंगा न बहने के कारण चीजें हो रही है। अब ये विसर्जन के मामले, उस पर तो प्रशासन ने को ये सूझबूझ लेना चाहिए राज्य सरकार को कि भाई साहब, जो आप उद्योग धंधों का तो रुकवा नहीं पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है फंडिंग लेनी होती हो, आपको इलेक्शन लड़ना हो, और अभी तो दिखाई दे रहा है मीडिया के ऊपर जबरदस्त पकड़ है पूंजीपतियों की। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूंजीपतियों की बड़ी कंपनी में प्रधानमंत्री होकर के विजिट करने जाते हैं जो है, ये सब चीजें तो दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि भारत कॉर्पोरेट फासिज्म के बहाने पे हो, और एक नौ उदारवाद जो है भारतीय बचे खुचे भारतीय सामंतवाद के साथ मिलजुल करके और कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलजुल करके एक खेला खेल रहा। परंतु उसमें विसर्जन को लेकर के मान लीजिए बैठ गए स्वामी मुक्तेश्वरानंद और लोग विरोध कर रहे थे, उसमें कुछ कट्टरपंथी लोग भी थे, फैनेटिक लोग भी थे, परंतु विरोध सब अहिंसावादी था। उनकी भी धार्मिक आजादी है, बोलने की आजादी है। जब आप बोलने नहीं देते हैं तो गुब्बारा फूट पड़ता है। आपने वहां उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई थी, जिसकी मानवाधिकार जन निगरानी समिति पूर्ण रूप से और मैं पूर्ण रूप से भत्मा करता हूं। अब उसके विरोध में एक प्रदर्शन हुआ अन्याय के खिलाफ, और स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी हमेशा ये बोलते रहे कि उत्पाती तत्व आ सकते हैं, क्योंकि आजकल धर्मों के साथ एक बड़ी खतरनाक बात हुई है कि धर्म का इस्तेमाल हमेशा राजाओं ने किया, आकाओं ने किया, सत्ता पे कब्जा करने के लिए किया गया। धर्म के नाम, धर्म जहां जनता के लिए आह थी, वहीं जो है उसको सत्ता पे कब्जा करने वालों ने अफीम भी बनाया। जो है मार्क्स ने इसीलिए कहा था कि धर्म जनता के लिए आह है, आखिरी
ठिकाना है, पर अफीम इसलिए बनी कि सत्तावालों ने उसका बहुत इस्तेमाल किया। और उस तरह की ताकतें हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में जो है उसकी स्थापना हुई, और वो स्थापना में था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ऊंची जातियों में जो पूरा पूरा का पूरा जो जाति व्यवस्था थी जो चरमरा रही थी उससे बौखला गए थे कुछ लोग, और उसको प्रतिस्थापित करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ अपना गठजोड़ करके उसको स्थापित किए। उनकी किताबों में लिखा है उन लोगों ने कैसे माफिया मांगी है, वो तो आज भी बवाल करेंगे। और बनारस जैसे शहर में वो भी उनकी संख्या है ज्यादा। बार बार स्वामी मुक्तेश्वरानंद कह रहे थे कि पुलिस जो है इस बात को नहीं सुनी। बड़े पत्रकार लोग चीजें हैं, आजकल क्या होता है सब या तो ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं या कोई पक्ष लेना चाहते हो, और प्रशासन की चमचागिरी करना भी एक आजकल बहुत ही जबरदस्त बन गया है। और हमें बहुत से कवि और लेखक हमेशा रहे हैं जो चाटुकारिता करते रहे हैं, जो है कलाकार करते रहे हैं, परंतु वही याद किए जाएंगे जो जनता के साथ खड़े, जनता के मुद्दे के साथ खड़े। ये यात्रा चली, यात्रा में साध्वी प्राची भी आई। साध्वी प्राची ने जो है सरकार राज्य सरकार के खिलाफ बोला, उसको स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने छीन लिया। एक संत ने जो है अथहर जमाल लारी जी का नाम लिया और बताया कि कैसे मुस्लिम लोग भी इसके खिलाफ थे। और यह है धर्म की एक, धर्म का एक हक ये भी बनता है कि सभी धर्म आपस में मिलकर के कट्टरपंथी और फांसीवादी ताकतों को शिकस्त करें। यह एक बहुत बड़ा रोल धर्मों का भी है, और यह रोल जो है को नजरअंदाज जो है हम कर नहीं सकते। तो ये ऐसी स्थिति में क्या है कि लोग वहां से निकले, करीब 1,500 लोग, मैं भी यात्रा में था, 1,500 लोग ऐसे थे। एक दो बार एक दो लोगों ने जय हर हर मोदी का नारा लगाया, लोगों ने उनको चुप करा दिया। एक ही दो लोग थे, का क्या होता है, हर हर महादेव की बात है। जय श्री राम के भी जो नारे लग रहे थे तो एक दो लोगों ने बोला कि अरे जय श्री राम क्यों कर रहे हो, जय सिया राम से और राधा कृष्ण से तुम लोग, और राम राम से जय श्री राम कर दिए जो है। तो उस पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। लोगों ने कहा भाई महादेव जी का निकल रहा है, हर हर महादेव करते हुए, हर हर दंगे करते हुए आगे बढ़िया। और यात्रा में पुलिस के लोग भी थे, पुलिस ने कभी कोई जाति नहीं की, कोई प्रतिकार नहीं हुआ। जब लोग बास फाटक से मुड़े तो दिखाई दिया कि धुआं दिख रहा है। अब ये जो धुआं जो दिख रहा है, लोगों ने कहा कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तो ये हुआ कि अरे ट्रांसफार्मर में आग लगी तो नीचे कैसे आग लगी, तो कुछ लोग आगे भाग करके गए तो पता चला कुछ लोग जला रहे हैं और पुलिस वाले जो देख रहे हैं। खेला तो है, ये खेला किस लिए कि अहिंसात्मक आंदोलन को हिंसा में बदल दो। और आंसू गैस के गोले वो जो लोग जो है मतलब जला रहे हैं उनके ऊपर नहीं चल रहा है, आंसू गोले जो यात्रा रुक गई है उसके ऊपर चलना शुरू हुआ। अब इधर तो वो थे ही 1,500-1,500 लोग जो कट्टरपंथी लोग, इन 50,000 की भीड़ में वो लोग जो है खटाक से आगे आ गए, शुरू हुए। इसके जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई, उस पर भी 5-6 लोगों ने हमला किया जो है बच्चों ने, उसको लोगों ने रोका। और ये सब चीजें होते हुए कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी शुरू से कह रहे थे, कुछ लोग मंच पे पहुंच करके बिगाड़ना चाह रहे थे, क्योंकि जो लोग धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा जो है इस तरह की चीजें बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और परंतु अगर आप देखें कि गुदौलिया पे ये सब माहौल पानी गर्म था, गुदौलिया से लेके केसीएम के बीच में माहौल पानी गर्म था, पूरा संघर्ष इधर से उधर से लुका छिपी चल रहा था, परंतु उसके पीछे लोग जनता जो लौट रही थी, पुलिस भी थी, उनके बीच में तो कुछ नहीं हुआ। क्यों, और जनता क्यों नहीं आक्रोशित हुई? कई मुस्लिम भाई काली पट्टी बांध करके घूम रहे थे समर्थन में इस हिंदुओं के धार्मिक आजादी, और जो अत्याचार हुआ था पुलिसी अत्याचार के खिलाफ तो उसमें तो जो है मतलब कोई विवाद नहीं हुआ। कि विवाद के पीछे निश्चित जो है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का ये वो है, ये लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ताकतें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, ये इस तरह के संगठन हैं जो एक जमाने में इन लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का साथ दिया,
आज इनका राज आया है, कंपनियों को खुली छूट मिल रही है और चारों तरफ दंगा फसाद किया जा रहा है। लोगों को जो है दादरी में जो है मतलब एक मुस्लिम की हत्या कर दी जा रही है। यहाँ अहिंसावादी आंदोलन चल रहा है तो उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तोड़फोड़ किया जा रहा है। जो संपत्ति जलाई गई है वो अपने अपनी राष्ट्रीय संपत्ति थी, अपने देश की संपत्ति है जो जलाई गई है। शांति भंग किया गया, दंगे फैलाने की कोशिश की गई जो है, उसमें सब तो पुलिस वाले नहीं, जिला प्रशासन तो नहीं, परंतु पुलिस का एक तबका भी को भी ये सांप्रदायिक ताकतें कैसे उपयोग करती हैं, ये मैंने महसूस किया पहली बार। और इन्हीं चीजों को देखने के लिए मैं गया था। मुझे अच्छा भी लगा कि जब लोग उल्टे बहन जी को कुछ लोग गाली दे रहे थे, दो तीन बच्चे, तो उसको एक संत ने भाई बहन जी के गाली से यहाँ क्या लेना देना है। उस तरह के लोग थे, 100-125 लोग थे, लेकिन 50,000 की भीड़ में जो है ये बार बार कहा गया था इस तरह के लोग हर जगह पहुंचते, उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा था रैली में, वो भी मैंने अद्भुत तरीके से देखा। तो ये सबसे बड़ी बातचीत है। गंगा जो है और नर्मदा के बीच में एक फर्क है, अगर नर्मदा में अस्थि डाल दीजिए तो पत्थर हो जाती है और गंगा में अस्थि डाल दीजिए तो धीरे धीरे गल जाता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज है उसके पानी का, वो है। तो आप टिहरी से पानी निकलने दीजिए, कल आप कहेंगे अस्थि विसर्जन भी मत कीजिए जो है। ये तो 5 से 10% जो है प्रदूषण है जिसको गंगा जी खुद ठीक कर लेती है बैक्टीरियोफेज होने के बाद। उसके लिए चेतना विकसित करने की जरूरत है। धर्मगुरु लोग उनसे कहें कि इतनी जगह जगह लोग मूर्ति बना रहे हैं, सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, उसमें गाना लग के आ रहा है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये भी रोका जाए भाई। क्या चीज जो है, ये कोई गाना है? शराब पी करके जो है मूर्ति विसर्जन कर रहे, ये रोका जाए, ये उदारताएं रोकी जाए। परंतु जो है मतलब मूर्तियां जो है छोटी बने, आस्था का सवाल है, परंतु सवाल है कि मूर्तियां छोटी अगर विसर्जित करने से मिट्टी की बनी मूर्ति गंगा जी में मिल जाती है और गंगा जी का बहाव आपने रोक दिया है टिहरी से पानी रोक करके इन ठेकेदारों और इनके चक्कर में, उस पर कुछ नहीं है। आप कानपुर में जो है मतलब कोई औद्योगिक नाला नहीं रोक सकते, यहाँ जो है नाले नहीं रोक सकते, ये रोक करके क्या पैदा करना चाह रहे हैं? क्यों नहीं संवाद जो है धर्मगुरुओं से इनसे किया जाता है कि ये मामले हल किए जाए जो है। बहुत ज्यादा माला जो है गंगा जी में न डाला जाए, पर आप कहिए कि एक भी माला मत डालिए, लोग अर्जली लाशें न डालें गंगा जी में जो है। संतों को भी लोग जो है गंगा जी में डालते हैं, उस पर भी अभी बातचीत करने के, छोटे बच्चे मर जाते हैं उनको गंगा जी में लोग प्रभावित करते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उसके कचड़े भी गंगा जी में लोग डालते हैं। तो परंतु वो मिला के 5-7% है, उस पर जो है बातचीत और उसका हल धार्मिक धर्मगुरु देंगे, उसका हल राज सत्ता देने की कोशिश न करें, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं। और धार्मिक गुरुओं को भी ये समझना चाहिए कि कानून का राज स्थापित करना है, पूंजीपतियों की दलाली करके और धर्मों पर हमला करके आप एक तरह से कट्टरपंथ बढ़ा रहे हैं, RSS को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू वाहिनी को मजबूत कर रहे हैं, और ये भी तरीका ठीक नहीं। इस तरीके के खिलाफ भी संघर्ष होना चाहिए और ये बहुत ही जबरदस्त षड्यंत्र है चुप्पी बनाए रखने का, कट्टरपंथ फैलाने का। कुछ 10-15 लोगों ने गुदौलिया पे आग लगा दी, 200 मीटर जब तक यात्रा नहीं पहुंची। आप गुदौलिया के बाद मदनपुरा और ये सब स्टार्ट होता है, वहां इतनी पुलिस क्यों नहीं लगी थी कि इन 15-20 लोगों को जो है मतलब सही कर सके? बार बार कहा जा रहा था कि उत्पाती लोग आ रहे हैं, ये सबक है। शहर में लोग शांति बनाए रखें और धर्म के मामले में सरकार बहुत अपना हस्तक्षेप न करे और धर्म जो है सरकार चलाने के मामले में हस्तक्षेप, दोनों के बीच में तालमेल हो जो है। और इस देश में धार्मिक लोग मिल करके कट्टरपंथी ताकतों को शिकस्त दें, हिंदू फासीवाद को शिकस्त दें, इस्लाम के नाम पे फैलाए जा रहे कट्टरपंथ को शिकस्त दें, क्रिश्चियनिटी के नाम पे फैलाए जा रहे कट्टरपंथ को शिकस्त दें, बौद्ध रिलीजन के नाम पे भी बहुत कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है उसको भी शिकस्त दें और ये कट्टरताएं खत्म हो, एक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो, लोग मिले और न्याय और की स्थापना हो। और उसके लिए
मिलजुल करके किस तरह से कट्टरपंथी ताकतों के साथ साथ जो कारपोरेट की गुंडागर्दी है, नवउदारवादी नीतियां हैं, उसको भी हम शिकस्त कर सके, जिससे कि एक अस्थाई शांति की स्थापना कर सके। और यह अस्थाई शांति की स्थापना पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर नहीं हो सकता, अस्थाई शांति की स्थापना बिना क्षमा याचना मांगे नहीं हो सकता, अस्थाई शांति की स्थापना एक दूसरे को बिना समझे नहीं हो सकता, अस्थाई शांति की स्थापना बिना व्यक्तिवाद को खत्म किए नहीं हो सकता। यही हम लोगों की चीजें हैं। स्पष्ट तरीके से इसमें कुछ पुलिस के लोग और कट्टरपंथी हिंदूवादी ताकतें, उनके लोगों ने मिल करके यह केवल बनारस की शांति पे ही नहीं बल्कि सनातन धर्म की शांति, बुद्ध की परंपरा, बुद्ध की धरती, तीन जैन तीर्थंकरों की धरती, यहाँ पे फकीरों की धरती, कबीर की धरती, रैदास की धरती, सेनाई की धरती को भी एक चुनौती पैदा करने की कोशिश की है। हम सब लोग के अपने अंतर विरोध हैं, परंतु कुछ लोगों हमारे अंतर विरोध, आपसे अंतर विरोध एक मित्रतापूर्ण अंतर विरोध है, हमारे शत्रुतापूर्ण अंतर विरोध है नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ, हमारे शत्रुतापूर्ण अंतर विरोध है कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो न्याय हारेगा, धर्मनिरपेक्षता हारेगी, धर्म हारेगा, शांति हारेगी, और जीतेंगे वो लोग जो इनके खिलाफ।